हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रियल होम मेकिंग। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं पूरे दिन में क्या क्या खाती हूँ और अपने मील्स को किस तरीके से हेल्दी बनाती हूँ। मेरा हेल्दी मील प्लान इंस्पायर्ड है रुजुता दिवेकर्स डाइट प्लान से। शी सजेस्ट कि हम लोकल फ्रूट्स खाएं, सीजनल फ्रूट्स एंड वेजीज खाएं। सो आज का डाइट प्लान उन्हीं के डाइट प्लान से इंस्पायर्ड है एंड मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये डाइट प्लान ज़रूर पसंद आएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से। और आज ब्रेकफास्ट में मैं बनाने वाली हूँ बेसन चीला, जिसे मैं सर्व करूँगी टैमरिन एंड डेट चटनी के साथ और एक कप बिना चीनी वाली चाय। तो बेसन चीला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक कप बेसन ले लिया है, जिसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी पाउडर, जीरा और नमक डाल लिया है। और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कुछ वेजीज चॉप करके रखी हैं। तो मैंने धनिया पत्ता चॉप किया है, प्याज है, थोड़ा सा अदरक ग्रेट कर लिया है, ये ग्रीन चिली चॉप कर ली है। अगर आप ग्रीन चिली नहीं खाना चाहते तो आप रेड चिली पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और साथ ही साथ थोड़ा सा बेल पेपर और टमाटर भी चॉप कर लिया है। आप आइडियली इसमें अपने पसंद की कोई भी वेजीज ऐड कर सकते हैं, बट आज मैंने वो सब वेजीज ऐड की हैं जो मेरे पास अवेलेबल थी। साथ ही साथ अब सारी वेजीज को मैंने इसके अंदर डाल लिया है और अब इसे मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके एक बैटर तैयार कर लूँगी। तो देखिए, इस कंसिस्टेंसी का मैंने बैटर तैयार कर लिया है और अब मैं बनाऊंगी चीला। तो यहाँ पे मैंने एक तवा गरम कर लिया है मीडियम फ्लेम पे और उसे घी से ग्रीस किया है और उसके बाद देखिए इस तरीके से पतला सा चीला फैला लिया है। इसे आप मीडियम फ्लेम पे ही कुक करिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और बहुत टेस्टी बन के आएगा ये। तो देखिए, दोनों साइड से ब्राउन होने तक मैं इसे सेक लूँगी अच्छे से और ये मेरे चीले बनके तैयार हो गए हैं। मैं ब्रेकफास्ट में दो चीले ले रही हूँ। आप चाहें तो हरी चटनी भी ले सकते हैं, पुदीने धनिए वाली, बट मैंने टैमरिंड डेट चटनी ली है और चाय। अब बात करते हैं मिड मॉर्निंग स्नैक की। इस टाइम पे आप कोई भी सीजनल फ्रूट अपनी पसंद का ले सकते हैं। तो आज मैंने अनार लिया है, ये आजकल सीजन में है और बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में। और अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर का इशू रहता है तो आप अनार को ज़रूर अपनी डाइट में इंक्लूड करिएगा। और अगर आप बाहर जाते हैं, जॉब पर जाते हैं, तब भी ये बहुत ही आसानी से आप कैरी कर सकते हैं। किसी भी एक कंटेनर में आप इसे अपने साथ ले जाइए और इसे इंजॉय करिए। अब चलते हैं लंच की तरफ। और आज लंच में मैंने बहुत ही हेल्दी दलिया बनाया था। तो देखिए, ये रोस्टेड दलिया है, ये मैंने फाइन क्रैक्ड व्हीट लिया है। ये आपको किसी भी इंडियन ग्रोसरी स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। और जैसे ही आप इसे बाज़ार से लेकर आते हैं, आप इसे हल्का सा रोस्ट करके एक एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लीजिए। और जब आपको बनाना हो तो आधी कटोरी दलिया लीजिए, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करिए और चार गुना पानी ऐड करिए। मतलब आधी कटोरी दलिया लिया है तो दो कटोरी पानी इसमें मैं ऐड कर दूंगी कुकर में। और अब कुकर को मैं मीडियम फ्लेम पे दो विसल्स तक कुक कर लूंगी। तो देखिए, अब सीटी ठंडी हो चुकी है कुकर की और हमारा दलिया भी बनके तैयार हो गया है। अगर आपको दलिया पतला खाना पसंद है तो आप इसमें थोड़ा पानी और ऐड कर लें, बट मैं ये दूध दलिया पसंद करती हूँ तो अब इसमें मैं एक कप दूध ऐड करूँगी और इसे थोड़ी देर और कुक कर लूँगी। तो देखिए, अब ये बिल्कुल तैयार हो गया है सर्व करने के लिए। और सर्व करते टाइम इसमें मैं थोड़े से क्रश्ड आलमंड्स ऐड करूँगी क्रंची फ्लेवर के लिए। और मुझे दलिया मीठा खाना पसंद है बट मैं शुगर अवॉइड करना चाहती हूँ, इसीलिए इसमें मैंने थोड़े से रेजिन्स ऊपर से स्प्रिंकल कर लिए हैं। अब चलते हैं पोस्ट लंच की तरफ। तो इस टाइम पे आप चाहें तो दही की लस्सी या थोड़ा सा मैंगो शेक या आइडियली आपको जो भी पसंद है, कम क्वांटिटी में आप इस मील को ले सकते हैं। लाइट रखिएगा इस मील को। तो आज मैं छोले खा रही हूँ, ये समर्स में आते हैं और बहुत ही टेस्टी लगते हैं खाने में। आप चाहें तो इसकी चाट भी बना सकते हैं, थोड़ा सा इसमें कटा हुआ प्याज, टमाटर और मसाले डालकर, बट मुझे ये एज इट इज़ बहुत पसंद है। तो इन्हीं को मैं एक कटोरी में इस तरीके से लेकर खाऊँगी। इस मील के बाद हम लोग डायरेक्टली डिनर ही करते हैं। हम लोगों के यहाँ पे अर्ली डिनर हो जाता है बाय अबाउट 7 o'clock। तो आज डिनर में मैं मूंग दाल बनाने वाली हूँ और साथ में आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये देखिए, मूंग दाल को मैंने प्रेशर कुक करके रख लिया है और अब इसका मैं तड़का तैयार कर रही हूँ। तो बस मैंने देसी घी में हींग जीरे का तड़का बनाया है। अब मैं इसमें ग्रीन चिलीज डाल रही हूँ और अनियन, और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करके इसको अच्छे से सॉटे कर लूँगी। और जब अनियन सॉटे हो जाएगा तब इसमें मैं टमेटो भी ऐड कर दूंगी और टमेटो को भी अच्छे से सॉटे कर लूंगी।
और ऊपर से थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर ऐड करूँगी। बहुत ही बेसिक मसाले से ये दाल बनती है और बहुत टेस्टी और हेल्दी रहती है। और जब आपका मसाला तैयार हो जाए तो आप इसमें दाल डाल दें, और दाल की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए पानी मैंने इसमें डाल दिया है, और ये आलू गोभी की सब्ज़ी भी मैंने बना ली है। तो ये है मेरा आज का डिनर। ये मैंने बाजरा और वीट फ्लोर मिला के रोटियाँ बनाई हैं, दो रोटी हैं जिसमें मैंने घी स्प्रेड किया है, और साथ में ये सब्जियाँ हैं और थोड़ा सा घर का बना हुआ आम का अचार। और ये है लास्ट मील ऑफ द डे जो होती है जस्ट बिफोर बेड टाइम बाय अबाउट 9 o'clock। तो आज मैंने चाय लिया है आधा कप, विदाउट शुगर है ये, क्योंकि मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसे रखते रखते मैं काफ़ी टायर्ड फील करती हूँ इस टाइम तक, तो मुझे चाय चाहिए होती है। बट आप लोग इस टाइम पे गर्म दूध लीजिएगा, वो बहुत ही हेल्दी रहता है पीने में। मेरे चैनल पे ऑलरेडी ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर की हेल्दी रेसिपीज़ अपलोडेड हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उन्हें ज़रूर चेकआउट करिएगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे थम्स अप ज़रूर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आप ऐसी वीडियोस और देखना चाहते हैं तो, और इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन यू टेक केयर, बाय, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।